लवलीज वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी टॉप 5 मॉइस्चराइजर्स जो कि एकदम परफेक्ट है विंटर के लिए एंड काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है. तो मैंने पार्ट 1 बनाया था मॉइस्चराइजर्स का एंड उसमें जो मैंने मॉइस्चराइजर्स शेयर किए थे वो अच्छे तो थे लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे. हर कोई उतना ज्यादा मनी स्पेंड करना प्रेफर नहीं करता है एक मॉइस्चराइजर पे क्योंकि मार्केट में और भी काफी अच्छे अच्छे बजट फ्रेंडली ऑप्शंस अवेलेबल है. तो मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो मैं पार्ट 2 बनाऊंगी उसमें थोड़े बजट फ्रेंडली ऑप्शंस आपके साथ शेयर करूं. तो आज हम वही बात करने वाले हैं एंड ये सारे ही पांचों के पांचों मॉइस्चराइजर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं एंड हर स्किन टाइप के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए. बहुत अच्छे से वर्क करते हैं एंड बिल्कुल भी पॉकेट पे भारी नहीं है. तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो. और तो जो सबसे पहला मॉइस्चराइजर है ना, वैसे तो जब विंटर की बात आती है ना तो हमारे दिमाग में तुरंत एक कोल्ड क्रीम आ जाती है क्योंकि वो एक ऐसी चीज है ना जो हम बचपन से लगाते आ रहे हैं, हमने अपनी मम्मियों को लगाते हुए देखा है. तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये कोल्ड क्रीम शेयर करूंगी जो कि अभी अभी मामा अर्थ ने रिसेंटली लॉन्च करी है एंड ये मेरे को पीआर में आया था. सो ये है मामा अर्थ की विटामिन सी नरिशिंग कोल्ड क्रीम विद विटामिन सी एंड हनी. नाउ ये जो कोल्ड क्रीम है ये है स्किन इल्यूमिनेशन के लिए. तो जिन लोगों की भी स्किन विंटर में डल हो जाती है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, इस तरह का प्रोडक्ट एकदम सही रहेगा क्योंकि विटामिन सी काफी अच्छे से स्किन को इल्यूमिनेट करने में, ग्लो लाने में हेल्प करता है एंड क्योंकि ये एक कोल्ड क्रीम है तो ये बहुत ही ज्यादा हाईली मॉइस्चराइजिंग है. इसका ऐसा मतलब थिक क्रीमी सा टेक्सचर है लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, आपको ऐसा लग रहा होगा ना देख के कि कितना चिपचिपी होगी या ग्रीजी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक बार स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है ना पता भी नहीं चलती है एंड काफी ज्यादा लाइट वेट है, काफी जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है, नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीजी है. तो जिन भी लोगों की स्किन बहुत ही ज्यादा डल एंड ड्राई हो जाती है आई थिंक आपको ये डेफिनेटली मामा अर्थ की कोल्ड क्रीम ट्राई करनी चाहिए. इसमें और भी वेरिएंट है, मेरे को एक और वेरिएंट आया था उपटन वेरिएंट लेकिन वो मैं यूज नहीं करती हूँ, मेरे भाई को यूज करना बहुत पसंद है. इसमें ना हल्की सी बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है. सो विटामिन सी जैसे कि मैंने आपको बोला कि डल स्किन को एकदम ब्राइटन करने में एंड ग्लो लाने में हेल्प करता है एंड साथ के साथ इसमें हनी है जो कि ऑब्वियसली विंटर में तो स्पेशली काफी ज्यादा काम आएगी स्किन को नरिश करने में, मॉइस्चराइज करने में. एंड मैं इसको रेकमेंड करूंगी ड्राई, नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोगों के लिए. अगर आपकी ऑयली स्किन है ना आप थोड़ा सा इसका क्वांटिटी कम लेना क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि थिक है तो आपको उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा. तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, कोई फालतू के हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं मामा के प्रोडक्ट्स में. नाउ जो सेकंड मॉइस्चराइजर है, जैसे मैंने इसको ट्राई करा ना मैंने लिटरली सोचा कि अभी तक मैंने इसको ट्राई क्यों नहीं किया था. मैंने एक्चुअली एक यूट्यूबर को इसके बारे में तारीफ करते हुए सुना था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं क्योंकि ये इंग्रेडिएंट मुझे बहुत पसंद है इन जनरल अपने स्किन के लिए. सो ये है द डर्मा कोका 3% विटामिन ई फेस मॉइस्चराइजर और ये है ड्राई एंड फ्लेकी स्किन के लिए. लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं चाहे आपकी नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, आप तब भी ये यूज कर सकते हो. कभी कभी ऑयली स्किन वालों की भी ना स्किन एकदम फ्लेकी हो जाती है विंटर में. जैसे मेरी फ्रेंड है उसकी ऑयली स्किन है लेकिन उसकी स्किन फ्लेकी हो जाती है विंटर सीजन में. तो आई थिंक कि ये बहुत ही अच्छा रहेगा सभी लोगों के लिए. क्रीमी है पर उतना ज्यादा थिक क्रीमी टेक्सचर नहीं है कि ऑयली स्किन वाले लोग ना लगा सके. आई फील ये सारे स्किन टाइप्स के लोग यूज कर सकते हैं. मैं जल्दी से इसका टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ एंड ये मुझे डे टाइम पे आजकल मैं इतना ज्यादा यूज कर रही हूँ ना आई कांट इवन टेल यू. ये जो कोल्ड क्रीम है ना कभी कभी मैं इसको अपने हाथों पैरों पे भी लगा लेती हूँ बिकॉज मेरे हाथ पैर इतने ज्यादा ड्राई रहते हैं ना एंड आई थिंक ये बहुत सही वर्क करता है एज अ बॉडी क्रीम एंड फेस क्रीम बोथ. और जो ये मॉइस्चराइजर है डर्मा कोका ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है एज अ फेस मॉइस्चराइजर. मतलब कितना जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी चिपचिपा या ग्रीजी या स्टिकी फील नहीं होता है. और बेस्ट पार्ट ये गाइस कि ये एक फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर है. तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपको फ्रेग्रेंस नहीं पसंद अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, तो आप ये 110% ट्राई कर सकते हो. इसमें विटामिन ई है जो कि बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है स्किन के लिए, स्पेशली विंटर के लिए, क्योंकि जो विटामिन ई होता है ना वो स्किन को हाइड्रेट करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड जो ड्राई एंड डैमेज्ड स्किन होती है ना उसको हील करने में भी हेल्प करता है. साथ के साथ इसमें लैक्टिक एसिड है जो कि डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करता है एंड स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड सपल बना देता है. सो इसको डे एंड नाइट कभी भी आप यूज कर सकते हो, कोल्ड क्रीम को भी आप कभी भी यूज कर सकते हो. अगेन इसका भी प्राइस पॉइंट बहुत सही है, काफी ज्यादा
ज्यादा बजट फ्रेंडली है। इसके बाद मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ मेरा नाइट टाइम मॉइस्चराइजर, जो मैं एज अ नाइट टाइम मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, लेकिन आप इरिस्पेक्टिव आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो ड्यूरिंग द डे, चाहे दिन में यूज करो रात में यूज करो, ये बहुत ही अमेजिंग मॉइस्चराइजर है। सो ये है सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग लोशन एंड ये है फेस एंड बॉडी दोनों के लिए। तो इसको कभी कभी मैं बॉडी पे यूज वैसे तो कर लेती हूँ, बट मैं मोस्टली इसको अपने फेस पे ही यूज करती हूँ। एंड ये भी लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप्स। नो इसका जो टेक्सचर है ना, ये क्रीमी है, उतना थिक नहीं है, लेकिन आप लगाओगे ना एक बार तो आपको लगेगा कि कितना ज्यादा डीपली नरिशिंग है ये प्रोडक्ट। एंड ये भी अगेन बहुत ही ज्यादा सही है, काफी बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है। एंड इस पे लिखा ना कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो आप इससे समर में दूर रहना, क्योंकि समर्स में ये आपकी स्किन को ग्रीजी बना सकता है। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, प्लीज इसे दूर रहना। आपकी अगर ड्राई स्किन है तो ज्यादा क्वांटिटी लेना, ऑयली स्किन है तो कम क्वांटिटी लेना। ये बहुत ही ज्यादा नरिशिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, इसका इस तरह का कुछ टेक्सचर है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड काफी जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ग्रीजी नहीं है, चिपचिपा नहीं है, काफी अच्छा कंफर्टेबल इसका टेक्सचर लगता है मुझे स्किन पे। बाय द वे मैं आपको बताना भूल गई गाइस कि आज मैंने कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाया हुआ है, कोई फालतू का हाइलाइटर वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि एक स्किन केयर वीडियो है एंड मैं चाहती हूँ कि स्किन केयर वीडियोज में आपको मेरी एक्चुअल स्किन दिखे, यू नो कि कैसी है। एंड आई थिंक मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोई एंड नरिश्ड लग रही है विदाउट एनी यू नो फाउंडेशन। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉइस्चराइजर की तरफ। एंड इस मॉइस्चराइजर से लिटरली मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई है, मतलब मैं स्कूल टाइम से इसको यूज करती आ रही हूँ। एंड अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप एक टीनेजर हो, तो मैं आपको 110% ये रेकमेंड करूंगी। तो ये है लैक्मे का पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम। ये डब्बी वाला ये सॉफ्ट क्रीम तो अभी अभी कुछ मार्केट में न्यू निकाला है ब्रांड ने, बट आई थिंक एक पतली सी बॉटल आती थी वो होता था लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर या फिर लैक्मे पीच मिल्क लोशन, कुछ ऐसा होता था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मैं इतना ज्यादा लगाती थी, लिटरली मैंने उसको 5-6 साल तक तो लगातार लगाया है। एंड अभी कुछ डिफरेंट सा फॉर्मूला लॉन्च हो चुका है एंड ये एक 24 आवर मॉइस्चर लॉक मॉइस्चराइजर सॉफ्ट क्रीम है, व्हाटएवर, बट ये मुझे लिटरली पहले वाले की तरह ही लगता है, मुझे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं पता चला। ये हल्का सा ज्यादा क्रीमी है, पर इसका जो फ्रेग्रेंस है एंड ये जैसा परफॉर्म करता है स्किन पे, ये एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है जैसे मैं यूज करती थी बचपन में। सो इस तरह का कुछ टेक्सचर है गाइज एंड ये काफी क्रीमी है, पर ये बहुत ही लाइट वेट क्रीमी टेक्सचर है एंड इसमें हल्की सी बड़ी प्यारी सी फ्रेग्रेंस है जो मुझे बहुत पसंद है। लिटरली मैं इसको स्निफ कर रही हूँ, मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ रहा है, मैं इसको इतना ज्यादा लगाया करती थी। तो ये एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा यू नो एवरीडे मॉइस्चराइजर है जो कि बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है एंड काफी अच्छे से परफॉर्म करता है स्किन पे। ना ये काफी ज्यादा लाइट वेट है, आप देख सकते हो, एंड बहुत जल्दी ये अब्सॉर्ब हो जाता है, पर उतना ज्यादा इंटेंसली नरिशिंग नहीं है। तो अगर आपकी ड्राई, वेरी वेरी ड्राई या फिर फ्लेकी स्किन है, आई थिंक ये आपके लिए इनफ नहीं रहेगा, आपको काफी ज्यादा क्वांटिटी लगानी पड़ेगी। बट अगर आपकी नॉर्मल या फिर कॉम्बिनेशन या फिर ऑयली स्किन है ना, तब तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे से काम करेगा। आई नो कि ऑयली स्किन वाले लोग यूजुअली यू नो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स प्रेफर करते हैं, पर ऐसे वेदर में जब ठंड पड़ रही है एंड स्किन एक्चुअली ड्राई हो जाती है, तो आई थिंक ऐसे क्रीम मॉइस्चराइजर्स भी काफी अच्छे से वर्क करते हैं ऑयली स्किन वाले लोगों पे एंड एक सुंदर सा ना ग्लो भी आ जाता है स्किन पे इसको यूज करने के बाद। नाउ इस पे लिखा है कि 24 आवर मॉइस्चर लॉक है, लेकिन मैंने इसको 24 आवर के लिए टेस्ट नहीं किया, तो मुझे नहीं पता 24 आवर तक स्किन को हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मैं 24 आवर्स में 2 बार फेस वॉश करती हूँ एंड दोनों बार ही ऑब्वियसली यू नो मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। एंड अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट मॉइस्चराइजर की तरफ, जो कि स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है एंड आपको बहुत ही लाइट वेट सा मॉइस्चराइजर चाहिए, कुछ ऐसा कि स्किन को इरिटेट ना करे, स्किन को उल्टा काम डाउन करे एंड यू नो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर दे एंड साथ के साथ स्किन को हाइड्रेटेड भी रखे ऐसे वेदर में। सो ये है प्लम का ग्रीन टी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर एंड ये एक फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर है। इसका आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ, इसका इतना ज्यादा लाइट ऐसा जेल लाइक वाटर लाइक टेक्सचर है ना, जो कि ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपके इस वेदर में भी यू नो स्किन बहुत ऑयली रहती है, आप कुछ इस तरह का ट्राई कर सकते हो एंड ये बहुत ही स्किन को यू नो काम कर देती है, स्किन को सूद कर देती है, क्योंकि इसमें ग्रीन टी है एंड ग्रीन टी जैसे कि मैंने बताया कि यू नो इन्फ्लेमेशन वगैरह रिड्यूस करने में
में हेल्प करता है, एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. सो प्लम का ग्रीन टी मॉइस्चराइजर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा यू नो चर्चा है इस प्रोडक्ट की, एंड आई फील कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. मेरे भाई की ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, अभिषेक की ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, एंड दोनों को ही ये मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनके स्किन पे. तो ऑब्वियसली मेरे वीडियो करने के बाद दोनों में से कोई ना कोई चुरा लेगा मुझसे मॉइस्चराइजर, बट आई डोंट माइंड. एंड ये हद से ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा, एंड जो एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए होता है ना एक ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वाले लोगों को, उनके लिए आई थिंक बहुत ही प्यारा ये यू नो ऑप्शन है. तो आप ये ट्राई कर सकते हो. ऐसे पंप पैकेजिंग में आता है, तो अगेन काफी ज्यादा हाइजीनिक रहेगा, आपको ऐसे फिंगर डिप नहीं करनी पड़ेगी बार बार. तो दैट वॉज द लास्ट मॉइस्चराइजर, एंड विद दैट मेरी आज की वीडियो खत्म होती है. ये थे मेरे टॉप 5 मॉइस्चराइजर्स अंडर अ बजट, वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली एंड बजट फ्रेंडली, जो कि लिटरली आप कह सकते हो कि हिडन जेम्स हैं. आपको बिल्कुल भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपको इनमें से कुछ भी चेकआउट करना है ना, मैं सारे लिंक्स आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, एंड एक बार ट्राई करके देखो एंड मुझे बताओ कि कैसे लगते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं आपके लिए ये. एंड या ये आई थिंक मेरे साल की सेकेंड लास्ट वीडियो है. मुझे बताना कि न्यू ईयर के क्या प्लान्स हैं. मेरे तो अभी तक कुछ भी नहीं है, बट आई वुड लव टू नो योर प्लान्स. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, देन प्लीज इस वीडियो को थम्स अप दे देना, बड़ा सा थम्स अप दे देना. प्लीज मेरे चैनल को और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना. एंड अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है मेरे इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक भी नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जो कि मेरे साल की आखिरी वीडियो होगी, इस साल की आखिरी वीडियो होगी. सो या मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, एंड बी काइंड टू योरसेल्फ एंड अदर्स. बाय बाय.